हाल के दिनों में कपिल शर्मा का शो काफी चर्चा में रहा है और विवादों में भी। विवादों की एक बड़ी वजह रही द कश्मीर फाइल्स की टीम को अपने शो पर नहीं बुलाना। हालांकि अनुपम खेर इस पर स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि ये गंभीर फिल्म थी और वो खुद नहीं चाहते थे कि किसी हंसी मजाक के कार्यक्रम में वो अपनी फिल्म के प्रमोशन को लेकर जाएं। इसको लेकर कपिल शर्मा ने ट्वीट भी किया था और अनुपम खेर का धन्यवाद भी किया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जिसे कई लोग द कश्मीर फाइल की टीम को नहीं बुलाने से जोड़ रहे हैं। कपिल शर्मा शो क्या बंद हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, या फिर अनिश्चित काल के लिए एक बार फिर कपिल शर्मा शो ऑफ एयर हो जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। फैंस के बीच इस शो को काफी पसंद किया जाता है, दुनिया भर में इसकी पॉपुलरिटी है। रिपोर्ट्स की माने तो कपिल शर्मा का पॉपुलर शो कुछ समय के लिए ऑफ एयर होने जा रहा है और ये कुछ समय अनिश्चित काल भी हो सकता है। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शो के होस्ट कपिल शर्मा काफी बिजी होने वाले हैं। पिछले कुछ समय से कपिल शर्मा अपने वर्क कमिटमेंट से घिरे हुए हैं। हाल ही में कपिल शर्मा ने इस बात की घोषणा की कि वो काम करने फॉरेन टूर पर जाने वाले हैं। इसके अलावा टीम के कई और दूसरे कमिटमेंट्स हैं जिसके सिलसिले में वो बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। इन सभी को देखते हुए शो के प्रोड्यूसर्स के साथ उन्होंने छोटा सा ब्रेक लेने की ठानी है, लेकिन शो को लेकर ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो शो के मेकर्स ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेंगे और कुछ महीने बाद शो नए सीजन के साथ फिर वापसी कर सकता है। कपिल शर्मा ने हाल ही में इंस्टाग्राम के जरिए इस बात की जानकारी भी साझा की थी कि एक लंबे वक्त के बाद वो किसी फॉरेन ट्रिप पर परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने एक पोस्टर के जरिए ये भी डिटेल बताई थी कि वो किस किस दिन कहां पर परफॉर्म करेंगे। उनका ये टूर जून से शुरू होगा और जुलाई तक चलने वाला है। इसमें न्यू जर्सी, अटलांटा, डैलस और वैंकूवर जैसे देश शामिल हैं। साथ ही साथ आपने हाल ही के दिनों में अभिनेत्री और निर्देशिका नंदिता दास के साथ कपिल शर्मा की कई तस्वीरें भी देखी होंगी। दरअसल कपिल शर्मा उनकी एक फिल्म का हिस्सा है, वो नंदिता दास की मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। इसमें वो एक डिलीवरी बॉय का रोल कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही कपिल शर्मा को एक डिलीवरी बॉय के गेटअप में स्पॉट किया गया था। कपिल शर्मा पहले भी शो से ब्रेक लेते रहे हैं, लेकिन ये ब्रेक एक ऐसे समय पर आ रहा है जब कपिल शर्मा का यह शो काफी विवादों में रहा है। द कश्मीर फाइल्स काफी चर्चित फिल्म बन चुकी है और ये कमाई के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाई जा रही है। कपिल शर्मा के शो में हास्य के साथ साथ में आगामी फिल्मों के कलाकार आकर अपनी फिल्मों को प्रमोट भी करते हैं। सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म के कलाकार जब कपिल शर्मा के स्टेज पर नहीं आए तो द कश्मीर फाइल्स का समर्थन करने वाले कई लोगों ने कपिल शर्मा को जमकर ट्रोल किया। उन्होंने कहा कि वो द कश्मीर फाइल्स के विरोधी हैं। हालांकि जैसा हमने आपको रिपोर्ट में बताया, अनुपम खेर ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी गंभीर फिल्म को वो किसी हंसी मजाक के मंच पर नहीं ले जाना चाहते थे और यहीं पर कपिल शर्मा ने राहत की सांस ली थी। लेकिन एक बार फिर कपिल शर्मा ट्रोल हो रहे हैं और यहां पर द कश्मीर फाइल के कई समर्थक कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने फिल्म के कलाकारों को अपने मंच पर जगह नहीं दी, इसीलिए उनका शो ऑफ एयर होने जा रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा हम रिपोर्ट में आपको बता चुके हैं, ये स्पष्ट है कि कपिल शर्मा अपने व्यस्त शेड्यूल की वजह से एक ब्रेक ले रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।